खरगोन जिले में झिरनिया तहसील के ग्राम कोठड़ा में ग्रामजनों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। वहीं बार बार शिकायत करने के बावजूद समस्या दस की तस बनी हुई है। बात का पता तब चला जब ग्रामीणों ने एकजुट होकर सरपंच सचिव और सहायक सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गौरतलब है कि ग्राम कोठड़ा में ग्रामीण पूर्व में जिला कलेक्टर के द्वारा जाकर ग्राम पंचायत के कारनामों की पोल खोल चुके हैं, बावजूद इसके उचित कार्यवाही न होने की दशा में ग्रामीणों ने एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया है, जो पंचायत का बहिष्कार करना चाहते हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने मीडिया को आमंत्रण देकर गांव बुलाया और बताया कि उन्होंने शासन के द्वारा दी जाने वाली किसी भी जनकल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए वो पंचायत का बहिष्कार करते हैं। वहीं ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर आरोप लगाते हुए यह भी बात का खुलासा किया कि पंचायत में कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं रहता और हमेशा ताला लगा रहता है, जिससे लोग योजनाओं का लाभ लेने से वंचित है। वहीं रोजगार सहायक कैमरे के सामने योजनाओं का लाभ का हवाला देकर अपना दामन बचाते हुए दिखाई दिए। खरगोन संजय तिवारी की रिपोर्ट। किस पद पे हुए रोजगार सहायक? ये ग्रामीणों का आरोप है कि आप पंचायत खोलते नहीं। लोगों के आवास योजना है, पेंशन योजना है, उसमें किसी को भी लाभ नहीं मिला। पूरा गांव परेशान है आपके मारे। नहीं नहीं सर, ये जो है ना, ये जो आती है ना, ये तो ऑनलाइन सूची आती है, ये जो पीएम आवास की, उसमें हम थोड़ी कहीं, जो आगे से आएगा वही हम देंगे। कितनी अपने आवास योजना में कितनी आती है कुटीर है? सर अभी 5 आई। अच्छा, 5 है। उसमें ये आरोप है कि आप लोग जो पैसा देता है उसी को मतलब देते हो, ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है सर, देखो ऑनलाइन आता है, आगे से आता है। अच्छा, 5 से यहाँ कुटीर आती नहीं है? नहीं, वो तो पेंशन योजना में कई विधवाएं 60 वर्ष से अधिक है, उनको अभी तक पेंशन नहीं मिली है। नहीं, पेंशन तो सर मिल रही है, अब जो बच्चे हैं उनके तो हमने आवेदन भी इकट्ठे कर लिए, जो बच्चे हैं उनके कर लिए आवेदन, उनके भी ऑनलाइन करेंगे। खरंजे का भी बता रहे कि कई जगह स्वीकृत हो गया, लेकिन अभी तक उसका निर्माण नहीं करा आपने? नहीं सर, खरंजे बने और जो आगे से आते हैं वो बनाते हैं। मतलब आप पे जो आरोप लगा रहे हैं निराधार है? है सर, देख लो ना उसमें क्या है। क्या नाम है आपका? राजेश साहब। मंत्री कौन है अपना? सचिव रूपाली गंगराड़ी। वो अभी आए नहीं क्या? नहीं, अभी नहीं आए। कल से ग्राम पंचायत में आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसी को मिला नहीं, और उसके बाद में कई लोग ऐसे हैं कि जिसकी खाद्यान्न पर्ची मिली नहीं, और लॉकडाउन में सबको मिला, आज जैसे थोड़े बहुत बच्चे गांव में उनको कहीं नहीं मिला। अब इधर उधर बोल रहा भी कि भाई सबको अनाज मिल रहा है, हमको अभी तक कहीं नहीं मिल रहा, हमें हमारी खाद्यान्न पर्ची भी नहीं बन रही, तो किस कारण से नहीं मिल रही है? बन इधर उधर जाते भी है, ब्लॉक में जाते हैं तो बोले आपको पंजीयन करवाना पड़ेगा आधार से और जाति से, तो वो भी करवा के आते हैं, वेरीफाई करवाते हैं, उसके बाद भी नहीं बनती, और डबल जाना तो बोले आपका वेरीफाई नहीं है आधार से। अब क्या चाहते हैं आप लोग? क्या मान, हम तो यही चाहते हैं कि भाई क्यों नहीं बन रहा है ना, किस कारण से नहीं बन रहा है, इसका कारण क्या है? क्या नाम है आपका? मनीष। योजना का लाभ कोई नहीं मिला आज तो, क्योंकि हम लोग कार्रवाई करते हैं, कोई लोग हमारी कार्रवाई पे ध्यान नहीं करते हैं, क्योंकि हमने कलेक्टर महोदय को भी लिख के दिया था कि हमारी जांच की जाए और हमारे मकान की जांच की जाए कि हमारा पक्का मकान है कि कच्चा है, इसकी जांच की जाए, क्योंकि जांच करने आते हैं तो उधर के उधर निकल जाते हैं, ये हमारे मोहल्ले में आने नहीं देते। अच्छा, सरपंच सचिव आते हैं क्या पंचायत? नहीं आते हैं। कितने कब से नहीं आ रहे? ये गली में कम से कम हमने तो 6 महीने से नहीं देखे हैं। क्या क्या मांग कर रहे हैं आप? अब हमारी इनको हटा दो, इनको। क्या नाम है आपका? रूपाली गंगराड़े होनानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्यार सिंह डांगोड़े। ऐसी है, 4 महीने से लॉकडाउन लगा है, इसमें जो हमारी जनता है ये परेशान है, मंत्री सचिव इसको कोई लापरवाह रख रहे हैं, क्योंकि हम शिकायत भी करते हैं तो दूसरे लोगों को जिनको पैसा मिल गया है वो दूसरे दस्तखत झूठे कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास, हमने कलेक्टर महोदय को जो शिकायत करी थी, कलेक्टर महोदय ने हमारे से जवाब नहीं पूछा कि तुम्हारी समस्या क्या है, क्या है तुम्हारी समस्या जनता की। जिस जनता को पैसा मिल गया वो जनता तो मतलब हमारे खिलाफ कार्रवाई, मतलब ये बोलती कि हमारा सरपंच सचिव अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे समझ से अच्छा नहीं काम कर रहे हैं, क्यों कि 50% पब्लिक को पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? इसके कारण हमारी जो आवास योजना कुटीर, ये भी किसी को नहीं मिली, मीडिया देखी जाए और कलेक्टर इसकी, कलेक्टर मोदे क्या क्या समस्या क्या आ रही है? समस्या यही है, पर्ची भी नहीं बनी है, जो विधवा महिला है उनको पैसा भी नहीं मिल रहा है, जो पैसा ये
अनुपंका का ये भी नहीं मिला, और दूसरे लोगों को मिला तो वो लोग हमारे खिलाफ कार्रवाई करते हैं कि हमारा सरपंच अच्छा काम कर रहा है। कलेक्टर साहब कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई की सुनवाई नहीं है, क्योंकि आगे जाके वो चोरी से सब लोग झूठे दस्तखत कर देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्यार सिंह दांगोड़े। और ये होना ही नहीं, हमें क्या समस्या है बता रहे हैं कि सचिव भी नहीं आता है। और हमारे गाँव में ऐसी समस्या है कि सचिव भी नहीं आता, मंत्री भी नहीं आता, सरपंच भी नहीं आता, पंचायत खोलते नहीं, मीटिंग लेते नहीं। हम गरीब है, किसी ये हमारे साथ में सब है, इनको किसी को कुटीर मिली नहीं। और रूपाली गंगराड़े उसको बोलते तो वो क्या बोलती कि क्या मेरे घर से दूंगी, सरकार नहीं देती, आगे से तो मैं क्या करूं। तो हर पंचायत में काम आता है, कोटड़ा की पंचायत में क्यों नहीं काम आता? तो हर पंचायत में काम होता है तो सरपंच मंत्री क्या उनके घर से देते हैं? ये पेंशन वगैरह मिलती नहीं, पेंशन मिलती नहीं, राशन कार्ड है नहीं किसी के पास, कोई गेहूँ मिलते नहीं। तो लॉकडाउन में हमारी ऐसी स्थिति है कि हमको कहीं नहीं मिलता, हम जाते पंचायत में तो पंचायत खुलती नहीं, मैडम आती नहीं, उसको गंगा रूपाली गंगराड़े को बुलाते हैं तो वो आती नहीं। सरपंच है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दादा भाई है। कौन सा गांव है ये? कोटड़ा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।